आकाशवाणी औरंगाबाद सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। इमरजेंसी के दौर में एक माह से ज्यादा जेल के सजा पाने वाले अफराद को हर माह 10,000 और बाद में उसकी बीवी को 5,000 रुपये, ताहम एक माह से कम सजा पाने वाले अफराद को हर माह 5,000 रुपये और इसके बाद इसकी बीवी को 2,500 रुपये वजीफा देने का फैसला कल रियासती हुकूमत ने लिया। इमरजेंसी के दौर में जमहूरियत के लिए लड़ने वाले अफराद पर फख्र करने के सिलसिले में पॉलिसी तैयार करने के लिए तश्कील दी गई काबीना की सब कमेटी की कल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस वजीफे की स्कीम के लिए चंद शरायत रखे गए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत का जीआर जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके बाद मुतालिका अफराद को इसकी मालूमात जिला कलेक्टर ऑफिस में फराहम होगी। सरकारी तौर पर जारी करदा बयान में इसकी इत्तला दी गई। खरीफ हंगाम के लिए काफ़ी मिकदार में बीज और खाद मुहैया है। ज़रूरत के मुताबिक किसानों को इसकी फराहमी की जाएगी। इसकी तला वजीर ज़राअत चंद्रकांत पाटिल ने दी। खरीफ हंगाम के ज़िम्न में मुंबई में मुनक़िद मीटिंग से कल वो मुखातिब थे। फसल बीमा के लिए इंदराज का अमल शुरू हो गया है। किसान 24 जुलाई तक फसल बीमा के लिए दरख्वास्तें दे, ऐसी अपील उन्होंने की। बारिश का अंदाज और ज़मीन की नमी के मद्देनज़र किसान तुख्म रेजी करे, ये बात वजीर ज़राअत ने इस मौके पर कही। यूनिवर्सिटी और सीनियर कॉलेजेस में प्रोफेसर के तकर्रुर के लिए कौमी अहलियती टेस्ट नेट के साथ साथ पीएचडी को भी ज़रूरी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस सिलसिले में नए खवानीन जाहिर किए। इसके तहत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ओहदे के लिए यह काबिलियत तय की गई है। 1 जुलाई 2021 से यह कानून आयद किया जाएगा, ये बात मरकजी फरोग इंसानी तरक्याती वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कही है। नेशनल मेडिकल अहलियती इंट्रेंस टेस्ट नीट 2018 के तहत इस साल मेडिकल कोर्सेस में दाखला लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा के जात सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल 2 जुलाई तक मुकम्मल करने का हुक्म मुंबई हाईकोर्ट ने कल जात कमेटी को दिया। दाखला लेते वक्त जिन तलबा के पास जात जांच कमेटी की जानिब से दिया गया सदाकत नामा हो, इसके दाखिले का अमल आइंदा मरहले के लिए काबिल समझा जाएगा, ये बात मुंबई हाईकोर्ट ने कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ तैयार होने वाला महागठबंधन ये सिर्फ सियासी पार्टियों का फ्रंट नहीं है बल्कि वो अवामी जज्बात है, ये बात कांग्रेस पार्टी सदर रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कही। वो कल मुंबई में सहाफियों से मुखातिब थे। इस महागठबंधन की क़यादत कौन करेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने लबकुशाई नहीं की। वज़ीर आज़म और भारतीय जनता पार्टी आइन पर हमला कर रहे हैं, ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया। रियासत के सरकारी मुलाजिमीन अफसरान से गैर कानूनी काम करवाने के लिए जोतकूब करके हिरासा करने वाले शहरियों को अब 3 साल के बजाय 5 साल की सजा कर दी गई है। इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन पर हमला करना या धाक जमाने के लिए 2 साल की सजा के बजाय 5 साल की सजा की गुंजाइश करने का हुक्मनामा कल रियासती हुकूमत ने जारी किया। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर संजय घरत को 8 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए कल हिरासत में लिया गया। 7 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मुनहदम नहीं करने के लिए घरत ने 35 लाख रुपयों की रिश्वत का मुतालबा किया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने इजलास में इसमें से 8 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लातूर ज़िले में सबके लिए तालीम मुहिम के तहत जमात अव्वल से 8वीं तक तालीम हासिल करने वाले 3,27,975 तलबा को स्कूल के पहले दिन दर्सी किताबें मुफ्त तकसीम की जाएगी, ये बात ज़िला परिषद के तालीमी महकमे ने कही। तलबा के मुकम्मल हाजिरी कायम रखने और स्कूल छोड़ने के तनासिब को 0 तक लाने का मकसद इससे हासिल होगा, ऐसा कयास उन्होंने जाहिर किया। इस माह की 8 से 11 तारीख के दरमियान और इसके बाद चंद यौम के लिए महकमे मौसमियात के कयास के मद्देनज़र मराठवाड़ा के किसान तुख्म रेजी के लिए मजीद इंतज़ार करे, ऐसा मशवरा पूना ज़रई महकमे मौसमियात ने दिया है। मराठवाड़ा में 15 से 28 जून के दरमियान बारिश में तातुल होने का कयास महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। इलाकाई खबरें खत्म हुईं।